बत्रा साहब आपने कहा कि हरियाणा खड्डों का हरियाणा खड्डे हो गए। मैं तो ये कहती हूँ बत्रा साहब एक कंपटीशन करवाओ, कहीं भी 3 किलोमीटर सड़क मिल जाए ना बिना खड्डे के, 2 किलोमीटर मिल जाए, जो सड़क ढूंढते हैं उसको इनाम दे दो। सड़क है ही नहीं, खड्डे खड्डे हैं। अब मेरे जैसे तो जब उन खड्डों में कार उचलती है ना, बस मिनट तो बस उचलती है, तो रात को कमर दर्द होता है, गोली लेके और सोना पड़ता है, एक और ये और मुसीबत हो जाती है। सफर करने जाओ खड्डों में कमर और दर्द हो जाती है। मेरा तो एक ही कहना है, आप हमारी मत सुनो, अपने मन से पूछ के देखो आपको इस सरकार ने क्या दिया है, क्या आप संतुष्ट हो इस सरकार से। अगर किसी के मन में कोई बात आती है, चाहे वो आंगनबाड़ी महिलाएं थी, चाहे कर्मचारी थे, चाहे सरपंच थे, चाहे किसान थे, चाहे MPSW के वर्कर थे, चाहे पेंशन मांगने वाले वर्कर थे, कर्मचारी थे, आप अपनी बात कहने जाओ, बदले में क्या मिलता है? लाठियां। आंगनबाड़ी वर्कर्स के जो दिखा रहे थे ना अखबार में TV पे, पहले तो पानी के बुछार मारे गए, अब गीले कपड़ों के ऊपर डंडे मारे गए, वो भी हमारी बहने। इतनी शर्म की बात है भाई, वो कुछ डिमांड लेके आई थी, मांग मानो ना मानो बात की बात है, पहले आप उनको आमने सामने बिठा के पूछ तो लो वो क्या मांग रही हैं। सोच के देखो, हमारी अपनी बेटियां सड़क पे खड़ी हो, पहले उनको पानी से गीला करा जाए, फिर उनके ऊपर डंडे बरसाए जाए, ऐसी सरकार चाहिए क्या आपको? मैं अपनी बहनों से पूछती हूँ जो यहाँ बैठी हैं, आपकी भी जवान बेटियां बहुएं हैं, आप ये बात बर्दाश्त कर लेंगे क्या? नहीं कर लेंगे तो आज यहाँ से मन में ठान के जाओ। मैं राजनीति की बात नहीं करती, राजनीति बहुत बाद में आती है, सबसे पहले चाहिए हमने अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहिए, और जो सरकार हमारी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकती उन्हें राज करने का कोई हक नहीं है।